हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द लेक्चर ऑफ लेक्चर नंबर 7 ऑफ ए सिंपल मशीन. इन दिस लेक्चर वी कंटिन्यू द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन. इन लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़े थे दो तरह का लिफ्टिंग मशीन. फर्स्ट था सिंपल व्हील एंड एक्सल, सेकेंड था डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल. दोनों का हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाले थे, दोनों का एफिशिएंसी निकाले थे. और नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट लिफ्टिंग मशीन है वो है स्क्रू जैक. स्क्रू जैक ए बी और तीसरा है सी. सी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका है स्क्रू, नाम है स्क्रू जैक. आप जानते हैं स्क्रू जैक का यूज कोई भी भारी वाहन को, जो भी आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, चाहे गाड़ी में यूज होता है, आपको उसको जैक करने के लिए, उठाने के लिए, जिससे हम लोग गाड़ी को लिफ्ट करके चक्का को निकाल के हम लोग चक्का को रिपेयर करते हैं, पंचर बनाते हैं, दूसरे चक्का को लगाते हैं, आप लोग इसका यूज एप्लीकेशन जानते हैं. लेकिन आज इसके बारे में कंस्ट्रक्शन के बारे में देखना है. तो ये है सिंपल स्क्रू जैक का ये सिस्टमेटिक डायग्राम है, जिसको आप बढ़िया से समझिए और इसको अच्छे से ट्राई करिए ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सिंपल स्क्रू जैक विथ नीट स्केच. तो आपको इस पर इसको अच्छे से इसका डायग्राम बनाने आना चाहिए. और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, इसका एफिशिएंसी, इसका मैकेनिकल एडवांटेज, इसका वेलोसिटी रेशियो पर न्यूमेरिकल भी आता है. तो आज के क्लास में आप ये सारा चीज सीख जाएंगे. तो ये है हमारा सिंपल स्क्रू जैक का एक डायग्राम. जो तो इसमें क्या है, एक हैंडल होता है, आपको जानते हैं हैंडल. ये हैंडल को हम लोग निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं. तो ये हैंडल अभी लगा हुआ पोजीशन में है. हैंडल का लेंथ L है, ये L लेंथ ऑफ द हैंडल. और ये इसके ऊपर W लोड रखा हुआ है, वेट जिसको उठाना है. अगर ट्रक है तो उसका वेट जो है वो लोड होगा और इसके ऊपर रखा हुआ रहता है. ये है आपका स्क्रू जिसमें थ्रेडेड रहता है. और ये है नट जिसमें इंटरनल थ्रेडिंग, अंदर की तरफ थ्रेडिंग किया रहता है, चूड़ी काटा हुआ रहता है, और इस पे बाहर की तरफ चूड़ी काटा हुआ रहता है, इसलिए इसको नट बोलते हैं. एक तरह का बोल्ट है, स्क्रू है. और आप जानते हैं एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग पिच बोलते हैं. एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी पिच बोलते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल पिच से डिनोट कर रहे हैं. उसी तरह हर दो थ्रेड के बीच का जो दूरी होगा उसको हम लोग पिच, उसका दूरी पी है, पिच के बराबर होता है. ये नट हो गया, ये उसका बॉडी लेग है, और ये बेस पर आपका रखा हुआ रहता है. अब कैसे काम करते हैं, इस पे हम लोग गाड़ी को रख देते हैं, गाड़ी को इसको जाके गाड़ी के नीचे हम लोग इसको लगा देते हैं, और हैंडल इसमें लगा के हैंडल को टर्न रोटेशनल मोशन देते हैं. आप हैंडल को इस तरह से घुमाते हैं, कंप्लीट टर्न देते हैं, तब देखते हैं कि ये ऊपर लिफ्ट होता है. तो इस तरह से इसका वर्किंग है, इसका ये डायग्राम है, आप इसको बढ़िया समझिए. और अभी देखिए क्या हुआ, W जो है लोड लिफ्टेड बाय द स्क्रू जैक, न्यूटन में होता है वेट. P एफर्ट अप्लाइड ऑन द हैंडल, हैंडल के एंड पे हम लोग एफर्ट लगाते हैं, लास्ट में एफर्ट लगाते हैं यहाँ. क्लियर, क्यों लगाते हैं आपको जानते हैं, मोमेंट ज्यादा होगा. उसके बाद L क्या है, लेंथ ऑफ द हैंडल. ये लेंथ ऑफ द हैंडल है यहां से लेके इसके सेंट्रल डिस्टेंस से, जो दूरी है एंड ऑफ हैंडल से, सेंट्रल लाइन से जो दूरी है उसको हम लोग लेंथ बोलेंगे, L से डिनोट कर रहे हैं. पी स्मॉल पी पिच ऑफ द स्क्रू, इस स्क्रू का पिच है, दो थ्रेड के बीच का जो दूरी है उसको हम लोग पिच बोलते हैं, जिसको पी से डिनोट कर रहे हैं. अब देखिए हमको वेलोसिटी रेशियो निकालना है. वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए हमको y पता होना चाहिए, x पता होना चाहिए. y क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट आफ्टर वन कंप्लीट टर्न ऑफ हैंडल. एक बार हैंडल कंप्लीट टर्न होगा, यहां था और घूम के एक चक्कर लगाने के बाद फिर यहां आएगा, एक बार ऐसे घूम के फिर यहां आएगा, क्योंकि ये इसमें एफर्ट जो लगाते हैं वो रोटेशनल टर्न करते हैं. तो देखते हैं एक टर्न के बाद ये कितना दूरी तय करता है. डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट आफ्टर वन कंप्लीट टर्न ऑफ हैंडल, हैंडल का एक टर्न करने में कितना दूरी मूव होगा, 2πL. 2πR यहाँ रेडियस किसके बराबर है, L के बराबर, तो 2πL. क्लियर, इसका यूनिट मीटर आएगा. X क्या है, डिस्टेंस मूव बाय लोड, हम लोग जानते हैं पिच ऑफ द स्क्रू.
एक कंप्लीट जब रिवोल्यूशन ये करेगा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हैंडल करेगा, जहां से था घूम के फिर वहीं आ जाएगा, तो ये अपने पीच के बराबर ऊपर जाता है। मतलब एक्स जो ऊपर जाएगा वो अपने पीच के बराबर जाएगा। ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हैंडल करेगा तो ये अपने एक पी के बराबर ऊपर जाएगा, दो बार करेगा तो टू पी ऊपर जाएगा। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ये टू पाई एल जाता है और ये अपने पीच के बराबर जाता है। तो वेलोसिटी हमको एक्स भी मिल गया, वाई भी मिल गया। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वाई बाई एक्स। वेलोसिटी रेशियो वाई का वैल्यू टू पाई एल, एक्स का वैल्यू स्मॉल पी। तो हम लोग यहां से वेलोसिटी रेशियो निकल गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड लिफ्टेड बाई मशीन डिवाइडेड बाई एफर्ट अप्लाई ऑन द मशीन। लोड लिफ्टेड डब्ल्यू है, एफर्ट अप्लाई हमारा पी है। तो ये दो जो रेशियो आएगा उसको मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। इफिशियंसी क्या होता है? हम फॉर्मूला जानते हैं इफिशियंसी का, द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। इफिशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आया था डब्ल्यू बाई पी, तो वहां डब्ल्यू बाई पी रख दिया। वेलोसिटी रेशियो टू पाई एल बाई स्मॉल पी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डब्ल्यू इंटू स्मॉल पी ऊपर जाएगा, कैपिटल पी नीचे है, टू पाई एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए सिंपल स्क्रू जैक। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल स्क्रू जैक का हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं, इफिशियंसी निकाल सकते हैं, और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं। लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, इफिशियंसी पर क्या प्रभाव होगा, पिच बढ़ाने से इफिशियंसी पर क्या इफेक्ट होगा, आप यहां से बता सकते हैं। पिच का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में आप देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, इसका डायग्राम आप इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग और भी आगे इस तरह के मशीन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।